हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोग अंजनी जी के किचन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे किचन में बनने जा रहा है मुंबई का फेमस बटाटा बारा। बटाटा बारा हम फेमस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करेंगे बटाटा बारा। दोस्तों, बटाटा बारा बनाने के लिए सिंपल सा सामान लगेगा, न ज्यादा खर्च न ज्यादा मेहनत है। तुरंत में आपको बटाटा बारा बन के तैयार हो जाएगा और उसके साथ रहेगा हरा हरा धनिया के चटनी। तो चलिए बटाटा वाला बनाने के लिए हम जो सामान लिए हैं, से क्या ले लिए हैं, से देखिए। हम ये आलू ले लिए 250 ग्राम के करीब में, आप अपना अनुसार ले सकते हैं, जितना बना लीजिए उतना। इसके बाद हम इसमें जो मसाला डालेंगे, काटा हुआ बारीक धनिया है, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, अजवाइन, और हम तड़का लगाएंगे जीरा और पीला सरसों का, और साथ में करी पत्ता रहेगा और प्याज रहेगा। अब मंगरेला और अजमाइन हम जो बेसन और चावल का आटा का घोल तैयार करेंगे उसमें डालेंगे। तो आइए हम सबसे पहले घोल तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए हम ये ले लिए हैं बेसन, जो चना का बेसन है। उसके साथ हम ये चावल का आटा ले लिए। अगर आपका चावल का आटा आपके पास पिसा हुआ नहीं है तो चावल को भिगो कर रख दीजिए और उसको पेस्ट बनाकर आप डाल सकते हैं। इसमें हम डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, साथ ही डालेंगे कलर के लिए हल्दी, और डालेंगे हम अजवाइन, मंगरेला अजवाइन हम डाल दिए हैं। हल्का बारीक कटा हुआ हम धनिया डालेंगे। अब इसका हम घोल तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से हम घोल बनाएंगे, इसमें गांठें नहीं रहनी चाहिए, न ज्यादा हमको पतला करना है न ज्यादा गाढ़ा करना है। मेरा घोल जो है तैयार हो गया है, तो घोल को हम 5 से 4 मिनट तक हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे, और जब तक ये रेस्ट होगा तब तक हम बटाटा बारा बनाने के लिए हम आलू को हम तैयार करेंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं, इसको हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तैयार करने के लिए सबसे पहले हम तवा पर तेल डालेंगे, तो सब उड़ जाएगा, साथ ही हम प्याज डाल देते हैं, मिर्ची डाल देते हैं। तवा ज्यादा गर्म हो गया था इसलिए हम इसे नीचे उतार लिए थे। साथ ही डालेंगे इसमें हम आलू, साथ ही हम डाल देंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर। स्वाद अनुसार नमक, कम तवे में इसे पकाएंगे। हम चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं, ज्यादा गर्म होने के कारण हम उतार लिए थे। अब इसमें हम भूनेंगे धीरे धीरे ताव में, तो इसको 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाला में खुशबू अच्छा आए, और करी पत्ता का जो फ्लेवर है पूरे मसाला में घुल जाए, आलू में मिक्स हो जाए। करी पत्ता डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए 1 से 2 मिनट हो गया, तो हम इसे निकाल लेते हैं। इस पर हम धनिया पत्ता छीर देंगे। आ
आलू फाइनली तैयार हो गया है। तो हम बटाटा बड़ा जो बनाएंगे तो आलू बहुत गर्म है, इसलिए हम 3 से 4 मिनट तक उसे पंखा में डाल देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। उसके बाद हम बड़ा बनाना स्टार्ट करेंगे। मिनट हो गया है, तब आलू मेरा ठंडा हो गया, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम गोल गोल आकार में बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सारे बटाटा बड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। सारे बटाटा बड़ा के तैयार कर लिए हैं, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बड़ा बनाने के लिए मेरा तेल भी गर्म हो गया है, तो चलिए हम बटाटा बड़ा को फ्राई करते हैं तेल में। इस तरह से हम इसे घोल लगाएंगे। तो हम सारे बटाटा बड़ा इसी तरह से बनाएंगे। ज्यादा हम नहीं डालेंगे ना तो चिपक जाएगा सब। तो बटाटा वाला बन गया है, तो हम तेल में से निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम ये दो भी है जो हम बना लेंगे। तो बटाटे बड़ा बना के कंप्लीट कर लिए, तो इसको भी तेल में से निकाल लेते हैं। फेमस बटाटा वाला हम बना के तैयार कर लिए। चलिए थालियों में अच्छी तरह से बटाटा वाला को सजाते हैं। हम सजाते हैं। दोस्तों मेरा बटाटा बड़ा बन के तैयार हो गया। आइए टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। अगर बनाने का तरीका पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।